अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर कॉलन के बाद एक ब्लैंक कॉलन इंसर्ट करना है, उसका यहाँ पे परसेंटेज हेडिंग देना है। तो हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। तो कैसे करें इसके लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रो इंसर्ट करनी है और यहाँ पे आपको अपने रो नंबर को दे देना है। रो इंसर्ट कीजिए, रो नंबर को दे देना है, फिर इसी रो नंबर को यहाँ दो बार रिपीट कर दीजिए। इसी रो नंबर को हमने क्या किया, दो बार रिपीट कर दिया। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद, अब इसमें देखिए हमने नेम को सिलेक्ट नहीं किया है, इसको मत कीजिएगा सिलेक्ट, वरना ये भी आपका शॉर्ट मूव हो जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे कस्टम शॉर्ट में। अब बोलेंगे शॉर्ट तो सर लेफ्ट टू राइट होता है, तो ये टॉप टू बॉटम होता है, मैं लेफ्ट और राइट कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ। हम कर सकते हैं, इसके लिए कस्टम शॉर्ट के जो ये ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस के ऊपर जाना है और यहाँ शॉर्ट लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करना है। जैसे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करेंगे तभी देखिए क्या है, यहाँ पे जनवरी से सिलेक्शन है। जैसे आप ओके करेंगे, ये आपका 1, 2, 3 वाला जो नंबर था वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो पहले हेडिंग्स आते थे उसके जगह पे रो 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो मैंने रो 1 को सिलेक्ट किया एंड जस्ट प्रेस ओके। हमने छोटी सी गलती की, हमने यहां हेडिंग नहीं डाला, तो चलिए हम यहां हेडिंग डालते हैं और दोबारा इसको शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हेडिंग ना डालेंगे तो बार बार हेडिंग डालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे हम आते हैं वापस कस्टम, इसमें कस्टम शॉर्ट, और कस्टम शॉर्ट में हम रो नंबर 1 को सिलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन शॉर्ट लेफ्ट टू राइट रो नंबर 1 एंड ओके, ये शॉर्ट हो गया। फिर ऊपर वाले रो को आप डिलीट कर दीजिए, आपके पास हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया।